नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बिहार में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 10 कमांडो शहीद। बिहार में औरंगाबाद जिले के जंगलों में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन से संबद्ध कम से कम 10 कमांडो शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कोबरा इकाई के जवानों पर घात लगाकर आईईडी विस्फोट किया गया, जिसके बाद सोमवार दोपहर सीआरपीएफ कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें देर रात तक 3 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 8 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, वहीं 2 ने उस समय दम तोड़ दिया जब उन्हें घायल अवस्था में ले जाया जा रहा था। घटना स्थल से एक AK-47 राइफल, इंसास राइफल और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किए गए। मोदी का वादा, जीएसटी पर सभी दलों से बात करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी विधेयक को राज्यों के हित में बताते हुए इसकी राह तैयार करने पर सर्वसम्मति के लिए काम करने का वादा किया। राज्य घटकों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार सभी दलों से बात करेगी और इसे पारित कराने के लिए सर्वसम्मति बनाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी ने राजग नेताओं के समक्ष जीएसटी विधेयक की महत्ता और इसे पारित कराने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक पर राजग के सभी दल साथ हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ और बैठकें करेगी। बैठक के बाद एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों को साफ कर दिया है कि हम खुले दिल से और चर्चा के लिए तैयार हैं। जर्मनी में चलती ट्रेन में कुल्हाड़ी से हमला। दक्षिण जर्मनी के वुर्ज़बर्ग शहर में एक हमलावर ने चलती रेलगाड़ी में हमला कर 21 लोगों को घायल कर दिया। सूत्रों के अनुसार 17 वर्षीय अफगान लड़के द्वारा चलती रेलगाड़ी में हमला किए जाने से 21 लोग घायल हो गए। बाद में हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी। उसकी पहचान अफगानी शरणार्थी के तौर पर हुई है और वो ओसनफर्ग शहर में रहता था। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस बात की काफी संभावना है कि ये इस्लामी चरमपंथी द्वारा किया गया हमला है। हमलावर अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा था। हमले के बाद वुर्ज़बर्ग, हाइडिंग्सफेल्ड और ओशनफर्ड के बीच रेल सेवा बंद है। घायलों में से कई की हालत गंभीर है।